नमस्कार, श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे सूर्य देव प्रत्यक्ष देव क्यों हैं। हे सूर्य देव, विज्ञान भी कहता है कि सृष्टि के अस्तित्व में ऊर्जा ही धुरी है, उस ऊर्जा के अक्षय स्रोत आपको नमन करता हूँ। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हनुमान जी के आप गुरु हैं, जिस हनुमान जी ने आपको निगल लेने का ही प्रयास किया, आपने हृदय विशाल कर उन्हें शिष्य बनाया। हे नाथ, जिसमें थोड़ी शक्ति आ जाती है वह संसार में था अकड़ता है, आप समस्त तेज राशि होकर भी विशाल हृदय हैं, आपको नमन। आपके पुत्र शनिदेव न्याय के देव हैं, प्रभु वह आपसे बहुत दूरी बनाए रखते हैं, आप ग्रहाधिपति हैं, आकाश गंगा के शिरोमणि, फिर भी पितृधर्म को निभाते शनिदेव के पास जाते हैं, आप शनि से मिलने अपना तेज मध्यम करके जाते हैं, क्योंकि तेजस्वी पिता का पुत्र को अंधकार पसंद करता है। हे देव, आप सर्वोत्तम पिता है, आपको कोटि कोटि नमन। हे देव, रावण से श्री राम का युद्ध चल रहा था, उसकी मायावी शक्तियां प्रभु को परेशान करने लगी, ऋषि अगस्त्य के सुझाव पर श्री राम ने आपकी स्तुति की और आप तत्काल मायावी शक्तियों का प्रहार खुद सहने को प्रस्तुत हो गए, राम काज में ही आपने सुख समझा, साक्षात श्री राम द्वारा वंदित देव आपको नमन। हे देव, परोपकार के लिए आपके त्याग की गाथा वर्णन से परे है, आपने स्वेच्छा से अपने तेज का सिर्फ आठवां हिस्सा रखा और शेष भगवान विश्वकर्मा को दे दिया, जिससे उन्होंने देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र तैयार किए। शिव जी का एक शूल, श्री हरि का एक सुदर्शन, इंद्र वायु मरुत भगवती और न जाने कितने देवताओं के आयुध के रूप में आप उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। हे देव, आपको नमन है। शिव जी सृष्टि के गुरु हैं, पर शिव जी ने अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय को कहा कि सूर्य से शिक्षा लो, अब आपके ज्ञान आपकी योग्यता पर कहने की कोई आवश्यकता है क्या। हे देव, कोटि कोटि नमन। हे मेरे आराध्य, हे भगवान भास्कर, मैं याचना करता हूं कि आपकी प्रशंसा में जो कुछ भी कहने का प्रयास किया उसमें जो त्रुटि रही उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे, आपका स्वरूप जितना विशाल है उतना ही विशाल हृदय मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे। हे अक्षय तेज राशि, प्रजापति कश्यप को कृतार्थ करने के लिए उनके पुत्र रूप में अवतार लेने वाले हे कश्यप, अपने भक्तों पर कृपालु रहें, उनके मन के अंधकार का नाश करें, आपके जो भी भक्तगण आपके इस भक्त द्वारा की आपकी स्तुति को पढ़ रहे हो या सुन रहे हो उनके दुख दारिद्र को अपने तेज से भस्मीभूत कर दें। धन्यवाद। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।